भाई लोग फिसा के मेरे को बेहतरीन वाली नेक्स्ट लेवल GTA 5 एक्सपेंडर एंड एनहांस की अगले वीडियो में। और भाई लोग पिछले वाली वीडियो की बात करें तो भाई लोग हमारे ऊपर बहुत तकड़ा वाला हमला करवाया था शेख ने। और भाई हमें अपना जो ये वाला होटल है ये भी छोड़ के भागना पड़ गया था। और अभी हम एक और होटल में आए थे और क्या कहते हैं ये भाई एकदम सीक्रेट होटल है, पानी के नीचे बना हुआ है भाई, किसी को पता भी नहीं। अभी रात के टाइम आए थे हम तो मैं तुम्हें इतने अच्छे से दिखा नहीं पाया था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो मजा आए तो पता है क्या करना, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, हर बार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भाई यही चीज़ होता है वो कुछ नहीं। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम जो है एकदम सड़क पर आ चुके हैं बाहर निकल के अपने होटल के। और भाई हमें लेस्टर का फ़ोन आया था भाई, उसने कुछ ऐसी बात कही कि हम एकदम से निकल के बाहर आ गए है ना। और भाई साहब आज देखो यार हमारे पास है क्या, क्या चला रहे हैं भाई, बुगाटी शिरोन भाई, चिरोन शिरोन जो भी बुलाना है तुम्हें है ना, लेकिन भाई ऑफिशियल इसको ऐसे ही बोलते हैं बुगाटी शिरोन। और भाई ब्लैक कलर की हमारे पास एकदम, और भाई अलग ही लग रही है देखने में तो एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई, कई लोंडो की ड्रीम कार है यार ये, उसमें तुम्हारा भाई भी एक है, तुम्हारे भाई की भाई ड्रीम कार है क्योंकि भक्ति बहुत तेज है भाई है ना। और ये भाई पावरफुल बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर है 7.9 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज W16 इंजन। और भाई मैं ये सब चीज़ें याद करके आता हूँ ठीक है वीडियो के लिए, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखा दे करो, लाइक वाइक मार दे करो है ना। गाड़ियों के भाई स्पेक्स मुझे याद हो गए बहुत सारियों के, खैर इसका तो मुझे पहले से याद था। और भाई ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है आज की डेट में भाई, बुगाटी की तो गाड़ियाँ सबसे तेज होती हैं है ना। और जहाँ तक है ये अभी तक भी सबसे फास्टेस्ट कार है दुनिया के अंदर, अभी तक इसका रिकॉर्ड ऑफिशियली शायद किसी कार ने नहीं तोड़ा है। वैसे इसका तो मैं एक बार इंटीरियर दिखाता हूँ, क्या मस्त लगता है ये देखो भाई, ऐसा लेदर वैदर सा लग रखा है, ऐसा बीच में सी बन रखा है। और भाई किसे नहीं चाहिए यार ये कार है ना। ये सामने जो भाई जो स्पीडोमीटर है ये पुराने ज़माने का एनालॉग सा लगा रखा है, और पुराने ज़माने की तरह नॉब वॉब लगा रखे हैं बाजू में, कोई नई गाड़ी की तरह ऐसी डिजिटल टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, लेकिन भाई पावर है गाड़ी के अंदर। बात है व्हाट कलर इज योर बुगाटी, अब अगर कोई मैं इसे पूछे तो मैं बोल सकता हूँ ब्लैक है ना, ब्लैक कलर की बुगाटी है हमारे पास। और ये देखो भाई ब्रेक मारती स्पॉइलर देखो कैसे उठा, ठीक है भाई चलानी शुरू करी, और भाई थोड़ी सी मुश्किल है चलानी। आवाज़ देखो भाई क्या मस्त आवाज़ दे रही है, ऐसे जैसे बेंटली वाली की जो आवाज़ थी ना उसे ही लाउड कर दिया, क्योंकि बेंटली के अंदर भी सेम इंजन था, आवाज़ जो होती है अलग अलग वो इंजन की वजह से होती है ना, तो सेम सा ही इंजन था उसके अंदर। ओ नहीं 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 भाई नहीं भाई, उड़ी जा रही है गाड़ी, चलो लैंड तो सीधी हो गई, लैंड अपने पैरों पे होगी, बस यही चाहिए था मुझे, लैंड सीधी हो गई। हम एक बार स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, हमें रिपेयर करवाने का खर्चा इतना नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है स्पीड टेस्ट एक बार फिर से भाई। वैसे इसकी टॉप स्पीड जो है वो 500 किलोमीटर पर आवर से ऊपर है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर कितनी जा पाती है, क्योंकि भाई भारी भी काफ़ी ज़्यादा है कार, 2 टन की है ना, क्योंकि इतना पावरफुल इंजन लगाना पड़ रहा है यार, क्या है भाई गंदी सड़कें, सर सीधी सड़क तक नहीं बना सकते लोग, ये भी मेरी गलती है, नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार, नहीं भाई साहब मेरी गलती है, ठीक है भाई साहब। पास में एक गाड़ी रिपेयर करवाने की दुकान थी तो हमने वहाँ से गाड़ी रिपेयर करवा ली। तो भाई अभी क्या कहते हैं हमारे पास लेस्टर का फ़ोन आया था अपने होटल की सिक्योर लाइन पे, जिसे कि मतलब हैक वैक नहीं किया जा सकता। और भाई साहब लेस्टर ने हमारे से कहा था कि फटाफट अपनी एजेंट की यूनिफॉर्म पहनो, क्योंकि भाई ऐसा लगना ही चाहिए कि जैसे ये किसी मतलब तुम्हारा काम हो, तुम्हारी लोकेशन या फिर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे एजेंटों का काम हो, और तुम इसलिए फटाफट एजेंटों की यूनिफॉर्म पहनो, एक बड़ा मिशन करना है। तो हमने पूछा ऐसा क्या हुआ, तो भाई लेस्टर ने कहा कि शेख जो है तुम्हारे मरने के बाद भी शांति से नहीं बैठा, क्योंकि खबर तो उसे ऐसी मिली थी ना, सच्चाई क्या है वो उसे थोड़ी पता है ना। तो वो कह रहा है कि शेख उसके बाद भी शांति बैठा, उसने क्या है US के अंदर एक तब आर्मी बेस खरीदा है और उसकी कीमत बहुत बड़ी दी है लेकिन उसने, और भाई साहब वहाँ पे अभी उसने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी भी आर्मी की सेटल करवा दी है। तो अगर वो भाई अपने और पैर पसाता है लॉस सैंटोस के अंदर, तो भाई क्या है हमारे लिए और ज़्यादा मुसीबत होने वाली है अभी खड़ी, उसके लिए भाई क्या है हमें उस आर्मी बेस को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो हमने लेस्टर से कहा कि भाई डिस्ट्रॉय क्यों करना है, मतलब आर्मी वार्मी से ही पंगा हो सकता है, तुम्हें काम जो करो, जितने पैसे शेख ने दिए हैं तुम उसे ज़्यादा दे दो, क्योंकि पैसों की तो अपने पास भी कुछ खास कमी है नहीं। तो भाई लेस्टर ने कहा कि उस हमें ये तो नहीं पता अभी कि उसने क्या कीमत चुकाई है, लेकिन जो भी कीमत चुकाई है भाई बहुत बड़ी है, पैसों के टर्म्स में तो उसे तोला भी नहीं जा सकता, पैसों से नहीं खरीदी जा सकती वो चीज़ जो उसने मतलब पे करी है। तो इसने लेस्टर ने कहा कि डिस्ट्रॉय करने से अलग अब कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो हमने कहा ठीक है फिर बताओ क्या प्लान है, तो लेस्टर ने कहा कि तुरंत की तुरंत अभी के अभी एक बुगाटी उठाओ वहाँ से। भाई वहाँ पे एक बुगाटी भी खड़ी थी, हमने ध्यान नहीं दिया कल, लेकिन भाई खड़ी थी ठीक है बुगाटी शिरोन। तो लेस्टर ने कहा कि फटाफट वहाँ से एक बुगाटी शिरोन उठाओ और क्या कहते हैं भाई फटाफट निकलो,
यूएस आर्मी बेस, जो क्या कहते हैं लॉस सैंटोस का मेन आर्मी बेस है, और वहां से तुम्हें उठाना है एक B2 बॉम्बर। भाई B2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिन्हें नहीं पता भाई, यूएस आर्मी का एक बड़ा तकड़ा सा बॉम्बर है, मतलब देखने में ऐसा लगता है जैसे कि कोई एलियन शिप हो, ठीक है, जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें पता रहेगा। और भाई साहब वो जो है पूरी की पूरी तरह से स्टेल्थ है, मतलब रडार के ऊपर तो दिखता ही नहीं है ना, तो इससे उसे डिटेक्ट विटेक्ट नहीं किया जा सकता। लेस्ट ने कहा कि उसे उठाओ, अगर हम कोई और प्लेन लेके जाके वहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं तो क्या कहते हैं दिक्कत हो जाएगी, शेक अपनी रडार वगैरह पे उसे डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन तुम्हें क्या है, अगर B2 बॉम्बर लेके जाओगे तो शेक जो है उसे अपनी रडार पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, और वहाँ से फटाफट बॉम्ब मार के और भाई भाग आना। तो अभी हमें ऐसा ही करना है, और वैसे भी हमें भाग के नहीं आना, हमें क्या करना है, जैसे हम वहाँ पे बॉम्ब मारेंगे ना, उसके बाद हमें रॉन की जो एयर स्ट्रिप है वहाँ पे उसे टच डाउन कराना है। ये बुगाटी भी तुम द्वार से नहीं देख पाओगे गेम के अंदर, क्योंकि भाई ये फटने वाली है, ख़त्म होने वाली है ये कार, वहाँ भाई फोड़ देंगे इसे जाते ही। लेकिन क्या है, हमें भाई एकदम से रश करके घुसना है, जिससे कि हम एकदम से B2 तक पहुँच पाएँ। और B2 को लेस्ट ने कहा कि किसी रीज़न की वजह से, उन्हें ये नहीं पता किस रीज़न की वजह से, लेकिन किसी रीज़न की वजह से जो B2 बॉम्बर है आज भाई पूरी तरह से लोड होकर उड़ने वाला है, मतलब भाई बॉम्ब उसके अंदर फुल रहेंगे। तो मैं सोचा हूँ क्यों ना तुम्हें एक बार इस गाड़ी की बेहतरीन सी आवाज़ सुना दूँ, क्योंकि भाई अब ख़त्म होने वाली है इतनी बढ़िया कार US आर्मी बेस के अंदर जाते हुए। और उठाई हमने इसलिए क्योंकि भाई ये फास्ट है, तो हम रश करके एकदम से घुस सकते हैं अंदर। लेकिन फिर भी भाई चलते हैं, एक बार इसे तुम्हें आवाज़ सुनाई देता हूँ, तो आवाज़ सुनना इसकी बात कितनी बेहतरीन है। भाई देखो क्या भूं करके आवाज़ आ रही है। ठीक है भाई लोग चलते हैं एम्बुश करने, अपनी SMG भी अपने पास तैयार है, भाई घुसा देते हैं। ठीक है, और भाई साहब, और अभी क्या कहते हैं हाईलाइट हो चुका है आर्मी बेस के अंदर, अभी तक टैंक वैंक बस सामने नहीं आए। ठीक है, जैसे हमने वो तोड़ा भाई बैरिकेड हाईलाइट हो गया, और अभी क्या कहते हैं हमें बस भागना है। बुगाटी अपने पास भाई भगा सकते हैं हम इसे, टैंक भाग नहीं सकते, ये टैंक की डाउन साइड है थोड़ी सी। ठीक है भाई साहब, अभी हमें फटाफट भागना है यहाँ पे, ऊपर प्लेन लेना उड़ रहे हैं काफ़ी सारे, देखो भाई साहब ये उड़े जा रहे प्लेन, और क्या कहते हैं यहाँ से चील जैसे दिख रहे हैं, लेकिन भाई हैं इसलिए प्लेन है ना। और हमें फटाफट भाग के B2 के पास पहुँचना है, रनवे के एंड पे है B2, ये रहा भाई, ये रहा सामने है B2, ये रहा, यही है B2 बॉम्बर। भाई जल्दी से भाग के उसके अंदर घुसना है हमें फटाफट। भाई अब इसके नीचे आ गए, अब कोई हमें इतना नहीं मारने का है ना। ठीक है भाई साहब, बैठ गए हम B2 के अंदर। अब भाई ये हमारे मारने से पहले 10 बार सोचेंगे, और इतने सोचेंगे इतने हम कल्टी हो लेंगे, फटाफट बस उड़ाना है इसे, टेक ऑफ कराना है। और भाई साहब उड़ने में भी काफ़ी मुश्किल है ये, क्योंकि भाई काफ़ी बड़ा भारी है, लेकिन इसके इंजन काफ़ी पावरफुल है, इसलिए रनवे की काफ़ी कम लेंथ भी उड़ गया है ना। देखो भाई भी काफ़ी सारा रनवे बाकी बचता है, और ये स्टेल्थ है तो इससे जल्दी से रडार के ऊपर डिटेक्ट नहीं होगा, और इस पर लॉक भी नहीं कर पाएंगे वो लोग। और भाई साहब देख लो है कैसा एकदम मौत का सौदागर सा लगता है देखने में, है ना भाई साहब, क्या लग रहा है यार। B2 बॉम्बर हाइट तो है ही नहीं बिल्कुल इसकी, है ना, मतलब एकदम चपटा, एकदम एलियन शिप जैसा ही लग रहा है, जैसे पहले भाई पुरानी मूवीज़ में स्टार वॉर्स वगैरह में दिखाते थे भाई एलियन शिप होते थे उनके, है ना भाई बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है यार, असली एलियन शिप। लेकिन ये भी भाई अपने पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला, वैसे शेख का बेस डिस्ट्रॉय करके हमें जाना है भाई साहब इसे रॉन की एयर स्ट्रिप पे लेके। भाई वहाँ पे क्या है, मैं इसे टच डाउन कराना है, टच डाउन का मतलब लैंड नहीं कराना पूरी तरीके से, हल्की सी देर बस रोकना है ना वहाँ पे, और इसके ऊपर लगाने स्टिकी बॉम्ब, उसके बाद में लेके जाना है इसे पानी के अंदर, और भाई वहाँ पे जाके इससे कूद जाना है, और भाई स्टिकी बॉम्ब जो है इसके डिस्ट्रॉय कर, मतलब क्या है हमें ट्रिगर कर देना है, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरीके से। और भाई तुम सोचोगे कि हम इतना अच्छा प्लेन डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर भले ही रडार पे ना दिखता हो, लेकिन US आर्मी ने ट्रैकर लगा रखे हैं काफ़ी सारे, तो अगर हमने इसे अपने आसपास रखा है, अपने से रिलेटेड रखा, तो भाई इसे ट्रैकर डिटेक्ट कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास इतनी बड़ी जगह भी नहीं है इसे रखने के लिए, भाई काफ़ी बड़ा है ये देखने में। और भाई साहब मैं इतने इससे कूल स्टंट्स करता हूँ, भाई साहब यार प्लेन से स्टंट करने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखो ये भाई ऊपर जाके वापस से उल्टा हो जाएंगे, ठीक है, ये देखो ये ऊपर गए, और ये वाला पार्ट इस स्टंट का सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हम सीधा ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, और ये भाई साहब वापस से ऊपर ऐसे घूमने वाला स्टंट, ये भाई उल्टा उड़ाता हूँ मैं इस प्लेन को उल्टा, यस ठीक है भाई साहब ये रहा,
ये है भाई आर्मी बेस शेख का, सर दिख नहीं रहा भाई, क्या फ्लासा कर रखा है इन लोगों ने। और भाई हम इतनी पास से उड़ा भी इसलिए पाए प्लेन क्योंकि पूरी तरह से स्टेल्थ है B2 बॉम्बर, तो दिक्कत नहीं होगी कोई। ये रहा भाई साहब, पहले से मैं बम बजाना शुरू कर देता हूँ। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने रॉन की जो एयर स्ट्रिप है उस पर टच डाउन करा दिया फटाफट इससे निकल के, और क्या कहते हैं भाई यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं इसके ऊपर जिससे कि हम इसे डिस्ट्रॉय कर पाएँ, क्योंकि भाई अगर पानी पानी में जाएगा खाली तो इतने अच्छे से डिस्ट्रॉय नहीं होगा भाई इसके, क्या कहते हैं कुछ पूजे वूजे बच जाएंगे है ना, लेकिन हमें इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है जिससे कि हमारा कोई सबूत वबूत कुछ ना बचे। और भाई साहब अभी हमें से रॉन भी मिला था, वो क्या था कि वो भाई साहब यहाँ से सारा कुछ सिस्टम विस्टम खाली करने लग रहा था जितना भी इसका बिजनेस का सामान था है ना, तो हमने पूछा कि ऐसी क्या बात होगी जो तू यहाँ से सब कुछ साफ कर रहा है, तो कह रहा है कि जैसे तुमने यहाँ पे प्लेन टच डाउन कराया है तो यहाँ पे जो है पुलिस और भाई आर्मी वाले इन्वेस्टिगेशन करने आएंगे, तो उन्हें कुछ भी हमारा इलीगल बिजनेस नहीं मिलना चाहिए। और वैसे मैं तुम्हें भाई से डिस्ट्रॉय करने से पहले एक बार इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, तो भाई साहब ये है इसका इंटीरियर, मतलब ऐसा लगा एलियन शिप और भाई जो नॉर्मल अपने पैसेंजर क्राफ्ट खोलते हैं उनके बीच का कुछ हो भाई, नॉब वॉब है बहुत सारे मीटर लगे रखे हैं सारे में है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे तो नहीं है लेकिन अलग ही है भाई फिर। और भाई ये उड़ने वाला था वहाँ से आर्मी बेस से जब भी हमने चुरा लिया, पायलट भी नहीं आया था जब तक इसके अंदर, और फटाफट लेके चलते हैं इसे समुद्र के पास यहाँ से उड़ा के। ठीक है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है प्लेन और अभी हम समुद्र के एकदम पास तक पहुँच चुके हैं, तो हम लगा देते हैं यहाँ से जंप और पैराशूट खोल के प्लेन को उड़ा देते हैं। ओ भाई साहब पूरा प्लेन फट के नीचे जा रहा है और हम पैराशूट के साथ चलते हैं नीचे। ठीक है भाई, पानी में जाके सबमर्ज हो गया तो अभी उसका कोई सबूत वबूत बचने नहीं वाला है ना। और भाई साहब अभी मैं सिमियोन को फ़ोन करता हूँ कि हमारे लिए कुछ भेजेगा गाड़ी वाड़ी। ठीक है भाई लोग, तो अभी हम बैठे हैं रेंज ओवर स्पोर्ट SVR में, सिमियोन अपने लिए ये लाया था रेंज ओवर स्पोर्ट्स SVR। और भाई साहब अभी हमने थोड़ी देर तक यहाँ पे पार्ट पेंट जा करा था, थोड़ी देर क्या काफ़ी देर तक करा था भाई, अभी शाम हो चुकी है करीब करीब, और अब लेके चल रहे हैं हम अपनी गाड़ी। इसके अंदर है 5 लीटर का V8 इंजन जो कि इसे बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं बनाता क्योंकि ये भारी बहुत है ना, SUV है एक, लेकिन इसके हिसाब से काफ़ी सही है, इसे इतना स्लो भी नहीं बनाता। और टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी यही है भाई, टॉप स्पीड ऐसी 150 के आसपास तक जाती है, 160 180 164 चल रही है अभी। ठीक है भाई काफ़ी स्लो है तो मैं तुम्हें आराम से देख के बता सकता हूँ, बुगाटी चला के आया हम अभी। ठीक है, अपने को इतनी छोटी मोटी फास्ट स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता, अभी 204 205 हो चुकी है और ये भिड़ गई थोड़ी सी, रिपेयरिंग का खर्चा पड़ेगा। ठीक है भाई लोग, तो अभी गैराज से रिपेयर करवाने के बाद फिर से आ चुके हैं हम अपनी गाड़ी को लेके। और भाई ऐसी है यार, विदेशी फॉर्चूनर है और भाई ऊपर ये सामान वामान रखने का भी सिस्टम लगा रखा है। और वैसे भाई इंटीरियर की बात करें, बाहर से देख तुमने देख ली, स्पेक्स भी तुमने जान लिए, इंटीरियर की बात करें तो भाई यहाँ से टिंटेड विंडो दे रखी हैं इसमें, इस पर्टिकुलर मॉडल में टिंट सब में नहीं है ना, और क्या कहते हैं टिंटेड मतलब ऐसी ब्लैक सी भाई, सनरूफ है ऊपर, सनरूफ दिखी भी नहीं थी बाहर से भाई, पूरी ब्लैक है तो दिखी भी नहीं थी ना, लेकिन सनरूफ है। और क्या कहते हैं भाई, 3 बंदे पीछे बैठ सकते हैं, 2 बंदे आगे बैठ सकते हैं एज अ यूजुअल SUV। और यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह है ना, और क्या कहते हैं सामने स्टीयरिंग व्हील है अपना नॉर्मल, और इसमें स्पीडोमीटर कहाँ है भाई? ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। स्पीडोमीटर गायब तो नहीं कर दिया शायद से, स्क्रीन के अंदर होगा स्पीडोमीटर, ये खराब वराब हो गई होगी कि भाई सिमियन जो नई गाड़ी चला के देता नहीं है ना, चुरा चुरू के लाके देता है साले, होगी पड़ी हुई किसी गैराज में खराब। और लेके चलते हैं फटाफट से अपने होटल पे। और आज के वाले वीडियो में भाई हमने काफ़ी तकड़ा सिस्टम किया था, मतलब ऐसा शेख का पूरा आर्मी बेस उड़ा दिया है ना। ठीक है, मजा आया तो इस वीडियो में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली हर बार की तरह अगली वीडियो में कुछ बेहतरीन लेके।